एक सवाल जो कि काफी बार पूछा जाता है कि रिलेशन बनाते समय जो महिला है वो ऊपर साइड है और उनके हस्बैंड जो है वो नीचे साइड है, तो इस पोजीशन में अगर रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो प्रेगनेंसी होगी या फिर नहीं होगी? या फिर कई बार ये भी सवाल होता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर रिलेशन बना रहे हैं तब प्रेगनेंसी के चांस होते हैं या फिर नहीं होते हैं? इस वीडियो में जानेंगे, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे कि पूरी और सही जानकारी आपको मिल सके और आपका डाउट भी क्लियर हो सके। तो देखिए, प्रेगनेंसी के लिए कोई स्पेसिफिक पोजिशन नहीं होती है ना। आपका स्पर्म जब जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वहां तक चला गया है, यानी कि आपका आपने वहाँ पे अपना स्पर्म निकाला है, बाहर नहीं निकाला है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और महिला का उस दौरान ओव्यूलेशन होना चाहिए, यानी कि अंडा मौजूद होना चाहिए, तभी प्रेगनेंसी होती है। पूरे महीने में किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी लग ही जाएगी। महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें अंडा निकल के आता है और वो 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। अगर उस दौरान रिलेशन बनाया हो, चाहे कोई भी पोजीशन में बनाया हो, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना। चाहे स्टैंडिंग पोजीशन में बना रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन में आप बना रहे हो, क्योंकि जो स्पर्म है, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होंगे तो वो काफ़ी जल्दी फास्ट वो ओवम से मिल जाएंगे और वहाँ पे फिर प्रेगनेंसी की शुरुआत आपकी हो जाएगी। तो मैटर ये नहीं करता कि किस पोजीशन में बना रहे हैं, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर आप डिस्चार्ज अंदर ही कर रहे हैं तो, है ना, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।